पूजा की शुरुआत हुई थी यहाँ हम लोग का श्रम कल्याण संस्था जो हम लोग का यहाँ कर्मा में है, जो उस समय में संचालित चालू था, उस समय में जोरों शोरों से चल रहा था, अभ्रक का काम यहाँ चल रहा था अंग्रेजों से के जमाने से। तो 51 में हम लोग का कर्मा अस्पताल श्रम कल्याण संस्था के द्वारा यहाँ संचालित किया गया था। तो जो स्टाफ वगैरह थे यहाँ पर वर्कर थे वो लोग, और उसमें कुछ बंगाली लोग थे, वो बंगाली लोग दादा लोग उन्होंने ये पूजा को चालू किया था 53 में, सन 1953 से। पंडाल कहाँ के कारीगर बनाए? पंडाल हमारे यहाँ के कारीगर बना रहे हैं, झुमरी तिलैया के ही हमारे लोकल हैं, कुछ बाहरी भी हैं उसमें कारीगर मिली जुली, लेकिन हम लोग अपने स्तर से एक डिजाइन तैयार किए हैं, किला बनाने का हम लोग स्वरूप दिए हैं, जो भव्य किला दिखेगा आपको, आप देख सकते हैं हमारे पंडाल में ये भव्य किला दिखेगा जिसमें हम लोग मंदिर में ऊपर निर्माण में है। लागत पंडाल में हम लोगों का लागत आ गया है लगभग 4 लाख रुपया सर। लंबाई चौड़ाई है 60x65। प्रतिमा के निर्माण हमारे हर वर्ष की भांति जो वर्षों से करते आ रहे हैं रोहित धीरज का जो टीम है पंडित जी का हमारा, उनके द्वारा किया जा रहा है, जो वर्षों से करते आ रहे हैं उनके द्वारा ही, और हमारी कर्मा की मिट्टी से ही ये तैयार होता है प्रतिमा। हम अपने कर्मा का ही मिट्टी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं और अच्छा मिट्टी हम लोग का है। हमारे पूजा कराने वाले बंगाल से आते हैं और बंगाली पद्धति से करते हैं, वो शुरू से जो आते आ रहे हैं उनके ही द्वारा हमेशा कराया जा रहा है, उनके वंशज ही अभी भी करा रहे हैं। और ढाक जो हम लोग का होता है बंगाल से ही आता है, वो ढाकी हम लोग जो स्पेशल होता है हम लोग का कर्मा में, ढाकी सिस्टम जो विशेषता यहाँ का रहता है पूजा में।